इस साल के उद्योग एवं व्यापार के पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस समारोह में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इस साल के बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस्टर जयचंद बागरी को मिला। उन्हीं के साथ उनके बेटे मिस्टर साहिल बागरी ने भी इस अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लिया, जिन्हें यूथ एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। मिस्टर जयचंद बागरी, इनका एक होटल बिजनेस है। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसके अलावा इस साल का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड केएल इंडस्ट्रीज के ओनर गजेंद्र जोशी को मिला। सो बिजनेस टाइकून जयचंद बागरी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने बेटे साहिल और रिपोर्टर साहिबा को। अच्छा ये सब छोड़ो ना जय, मुझे ये बताओ कि हम दोनों शादी कब करेंगे? ये बैंकॉक वाली डील फाइनल होने दो, फिर बैंकॉक में ही शादी करेंगे। नहीं जय, मैं पिछले 2 साल से यही सुनते आ रही हूँ, ये डील हो जाने दो, वो डील हो जाने दो, बस अब और नहीं। इससे पहले कि साहिल शादी करके बहू घर पे ले आए, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ठीक, मैं आज ही साहिल से बात करता हूँ। एक काम करो ना, तुम भी रात को घर आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं और तुम्हारे सामने ही बात भी कर लूंगा। और हाँ, अगर साहिल ने हाँ कर दी तो फिर एंगेजमेंट और फिर शादी। खुश? बहुत खुश। इस साल के बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस्टर जयचंद बागरी को मिला। नहीं राजपाल, जाओ तुम भी खाना खाओ, ठीक है? तो आपकी रिपोर्टिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है बेटा। डैड, मैं सोच रहा था क्यों ना आंटी का खुद का न्यूज चैनल खुलवा दें। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैडम संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। संभाल नहीं पाओगे? अरे आपको क्या करना है, सब कुछ तो स्टाफ संभालेगा। आपको तो बस बैठकर मालकिन की तरह कुर्सी संभालनी, सारा काम आपका साफ करेगा और कोई भी नहीं। अरे बहुत इजी है। साहिल। जी डैड। बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। बेटा वैसे मेरे और अनन्या के बारे में तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं। हम सोच रहे थे अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम दोनों शादी कर लें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं डैड? मैं आप लोगों की शादी के लिए मान जाऊंगा? अरे कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी की शादी के बजाय आप अपनी शादी की बात कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। और डैड सच में मुझे आप लोगों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। साहिल, सच में तुमने हम दोनों को डरा ही दिया। I'm so sorry. देखो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसका बचपना बढ़ता जा रहा है। बाप की टांग खींचेगा है? सॉरी डैड। अच्छा आप ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आप शादी का प्लान कर रहे हैं? बेटा एंगेजमेंट कर लेते हैं और फिर शादी। तो ठीक है, हम एंगेजमेंट करते हैं मुंबई में और शादी गोवा में, क्यों आंटी? गुड आइडिया। जैसा तुम लोग चाहो, मुझे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर तेरा एंगेजमेंट होगी मुंबई में और शादी होगी गोवा में, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलिए अब खाना खाते हैं, गर्मा गर्म खाना है। राजपाल कुछ मीठा ले आओ। ये लीजिए। Thank you.
हेलो, नई शादी मुबारक हो अनन्या। जितना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कृपेश, तुमने मुबारकबाद देने के लिए तो कॉल किया नहीं होगा। पॉइंट की बात करो। हाँ, बस मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मैंने अभी तक डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया। इसका मतलब हम दोनों अभी तक पति पत्नी हैं और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी और जयचंद की शादी रुकवा सकता हूँ। हो अच्छा, तो ये बताने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? नहीं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और उसके बाद मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगा। कितने कमीने हो तुम कल्पेश, सीधा 5 से 10 लाख। अरे तो मुझे पहले कहाँ पता था कि तुमने जयचंद जैसे करोड़पति को फंसाया है। और रही बात कमीनेपन की, तो तुम इस दुनिया में सबसे बड़ी कमीनी हो। ठीक है, तुम्हें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन करना पड़ेगा, समझे तुम? बस तुम पैसे ट्रांसफर करो और मैं साइन कर दूंगा। हाँ हाँ पाटिल जी, एंगेजमेंट अंधेरी वाले होटल में ही होगी। नहीं 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 नहीं, इस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, देखिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, जितनी भी गेस्ट डिटेल्स है मैं आपको मेल करता हूँ। ओके जी, चलिए बाय। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ऑफिस नहीं जाना है? डैड जाना है, लेकिन मुझे थोड़ा काम है तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। अच्छा डैड, मुझे आपके इन पेपर्स पे साइन चाहिए। डैड, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आंटी जी को यहीं बुला लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने वैसे भी यहीं आ जाना है, तो क्यों ना उन्हें अभी बुला लें। अच्छी बात, मैं उसे फोन करता हूँ, वो आ जाएगी। नहीं डैड, मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा। अरे क्यों, वो आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे डैड, वो मेरी होने वाली माँ है और मुझे भी बेटा होने का फर्ज निभाने दीजिए, तो कल सुबह मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, है ना, शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। सच? साहिल ने बोला? हाँ भाई हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। साहिल ने खुद कहा कि वो तुम्हें लेने आ रहा है सुबह। अच्छा तुम बस रेडी रहना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि साहिल को भी हमारे रिश्ते से उतनी खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की। अब एक मिनट, दरवाजे पे कोई आया है शायद, मैं आपको कॉल करती हूँ और पैकिंग भी तो करनी है। ठीक है, बाय। ओके ओके, लव यू, बाय बाय बाय। तुम यहाँ? हाँ, क्या करें, तुमसे रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि आसानी से छोड़ा ही नहीं जाता। मैं सारे रिश्ते नाते ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो तुम? वो क्या है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। और रही बात तुम्हारे पास आने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना है, जिसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, जो तुम मुझे दोगी। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? 50 लाख रुपए? मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, पर जयचंद के पास तो है। तुम मांगोगे तो मना भी नहीं करेगा, आखिरकार पति है तुम्हारा। पति है नहीं, होने वाला पति है, शादी हुई नहीं है अभी हमारी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं शादी तक यहीं रुक जाती हूँ, पर पैसे तो ना मैं लेकर ही जाऊंगी। अरे पहचानती कैसे नहीं, उसके तो होश ही उड़ गए थे मुझे देखकर। और जब मैंने उससे 50 लाख मांगे ना, तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। तो क्या कहा उसने, पैसे देगी या नहीं? देगी कैसे नहीं, पैसे तो मैं इससे लेकर रहूंगी, पर लगता है शादी तक यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तब तक तो वहीं रुक और मुझे डेली अपडेट देती रहना। हाँ देती रहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा पापा, बाय। हाय आंटी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम, कैसे हो?
मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। अच्छा, आपकी पैकिंग हो गई है तो चलें, एक्चुअली मुझे जाना है। अरे इतनी जल्दबाजी, पहले चाय कॉफी कुछ, प्लीज सिट। नहीं आंटी, इन सबकी जरूरत नहीं है। मैं कह रही थी कि एक्चुअली ये मेरी छोटी बहन है, कल ही आई है। हाय साहिल। हाय स्नेहा। एक काम करते हैं ना, इन्हें भी साथ ले चलते हैं, ये अकेली यहाँ पर क्या करेंगी? अरे नहीं बेटा, वैसे भी इसे जाना ही है कुछ दिनों में। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी चलती हूँ ना आप लोग के साथ। शादी तक तो वैसे भी यही रुकना है, तो आप लोग के साथ ही रह लूंगी। तो बस ये बेस्ट है, आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपने बैग पैक कर लीजिए, क्या है ना मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। ओके, मैं अभी आई। अच्छा, तब तक तुम बैठो तो सही। हाँ, ले। एड ओ हाय, आ गए तुम लोग। अरे बहुत प्यारी लग रही हो। कैसे हैं? गुड गुड। ये अब ये मेरी छोटी बहन है स्नेहा। हाय। जैसे ही इसने एंगेजमेंट के बारे में सुना ये चली आई, और फिर साहिल जब घर पे आया तो वो माना नहीं, तो हम उसे यहाँ। साहिल बहुत अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आए, अब शादी तक यही रुकना है, जाना नहीं है। साहिल थोड़ा घर घुमाओ। हाँ जी डैड, प्लीज। ये रहा आपका रूम। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो रहा टेलीकॉम, आप उस पे एक डायल करेंगे तो सर्वेंट आ जाएगा। ओके, और अगर आपको बुलाना हो तो? अगर मुझे बुलाना हो तो मेरा नंबर ले लीजिए। ओके, 4698252595। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है। ओके बाय। किसके ख्यालों में कोई हो,
कुछ नहीं, बस ये देखो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्यों अचानक? अभी तो हमारी एंगेजमेंट में टाइम है। किसने कहा कि ये एंगेजमेंट का है? ये तो इस घर के वेलकम का है। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है जय, पर तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच जय। अच्छा ये बताओ, किस टेंशन में हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम्हारे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? वो तो है। आई लव यू जय। आई लव यू टू। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। हे हे, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद ही यहाँ बोर हो रही थी। अच्छा आप आ गए। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। कल सुबह मैं जयपुर जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, इसी बहाने आपका भी जयपुर घूमना हो जाएगा। थैंक यू, बट मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। वैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछते हैं? या वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब में? गर्लफ्रेंड? हाँ? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। व्हाट? मतलब यू आर साहिल बागरी, करोड़पति साहिल बागरी, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। आपको क्या लगता है कि पैसे के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है? नहीं, अब अमीर हूँ तो बहुत लड़कियों के कॉल्स आते हैं, फ्लर्ट भी करती हैं, लेकिन मैं वो लड़की चाहता हूँ जो मुझे मेरे पैसों की वजह से नहीं, वो मुझे मेरी वजह से पसंद करे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप ये बोल रहे हैं। सच में आपसे पैसे से नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अमीर है। आप मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। अच्छा वो आंटी कह रही थी कि आप कहीं जाने वाली हैं। हाँ एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, तो मैं फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। बस कुछ पेपर वर्क बाकी है, वो हो जाए फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे यहाँ पर भी बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन ही क्यों? क्योंकि लंदन में करियर ऑप्शंस ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, और फिर मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती क्योंकि आपकी तरह मैं भी बहुत अकेली हूँ, तो कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना रुकने की। अगर आप ढूंढेंगी तो वजह भी मिल जाएगी। तो क्या आप बनेंगे वो वजह? अगर आप चाहेंगी तो जरूर। सच में? सच।
कुमार सुनो, एक कुंडी निकालनी है लड़की की। स्नेहा नाम है उसका और अनन्या की बहन है। जल्द से जल्द। बेटा फ्लाइट से चले जाते हैं, क्या जरूरत है रोड से ड्राइव करने की? और सिर्फ ड्राइवर को साथ ले जाओ ना। डैड जयपुर तक तो जा रहा हूँ, विदेश थोड़ी ना जा रहा हूँ। यू नो कि मुझे बाय रोड ट्रैवल करना कितना अच्छा लगता है। इसी बहाने मेरा ट्रैवल भी हो जाता है और लॉन्ग ड्राइव भी। साहिल फिर भी बेटा थोड़ा ध्यान रखो ना। डैड आप एक काम कीजिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप ना आंटी जी के साथ चिल आउट। बहुत जिद्दी है बेटा किसका। चल ध्यान रखो। सेफ ड्राइव। बाय बेटा। हाँ कुमार। ठीक है। अनन्या स्नेहा कहाँ है? वो तो लंदन गई, बताया था ना तुम्हें। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। सर ये है स्नेहा, पिछले एक हफ्ते से लापता है। लेकिन इसने तो मैसेज किया हुआ है कि वो लंदन जा रही है। हाँ सर, पर सर ये लंदन गई नहीं। सर लंदन में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई, उससे पता चला कि स्नेहा लंदन आई ही नहीं। उसके बाद सर मैं एयरपोर्ट भी गया और वहां से पता चला कि स्नेहा एयरपोर्ट तक भी नहीं गई। सर पिछले एक हफ्ते से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑनलाइन भी नहीं आई। सर मुझे लगता है कि जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। सर 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 प्लीज इसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिए, हम स्नेहा ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आइए आप। सर सर मेरी बेटी पिछले एक हफ्ते से लापता है सर, पता नहीं कहां गई सर। सर मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर। आप बैठिए। क्या नाम है आपकी बेटी की? जी स्नेहा। स्नेहा फोन देना। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, यही मेरी बेटी स्नेहा है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? जी जयंत। और कहाँ रहते हैं? जी मैं लखनऊ में रहता हूँ। तो आपकी बेटी लखनऊ से गायब हुई है? नहीं नहीं सर, दरअसल कुछ दिनों पहले मेरी बेटी लखनऊ से यहाँ नोएडा आ गई थी अपनी माँ से मिलने। उसकी माँ एक मशहूर टीवी रिपोर्टर है, अनन्या नाम है उसका। अनन्या स्नेहा की माँ है? हाँ वो उसकी माँ है, तुम जानते हो उसे? ये जयचंद जी के बेटे और इनका नाम साहिल है। स्नेहा कुछ दिनों से इनके पास ही रह रही थी। ये भी स्नेहा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं, लेकिन इनके मुताबिक स्नेहा अनन्या की बहन है और आप कह रहे हैं कि स्नेहा अनन्या की बेटी है। झूठ बोलती है वो। दरअसल अनन्या से मेरी शादी 22 साल पहले हुई थी और जब स्नेहा 2 साल की थी तब अनन्या मुझे और स्नेहा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। उसे नाम कमाना था, अपनी पहचान बनानी थी, इसलिए मैंने ही स्नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया। और जब स्नेहा बड़ी हुई तो धीरे धीरे उसे अपनी माँ के बारे में पता चल गया। वो अनन्या से नफरत करती थी, इतनी नफरत कि जब भी टीवी पर उसे देखती वो टीवी बंद कर देती थी। इसी साल उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन जाना चाहती है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसे लंदन भेज सकूं। अभी कुछ दिनों पहले जब उसने अखबार में अनन्या और जयचंद की शादी के बारे में पढ़ा तो वो यहाँ अपनी माँ से मिलने आ गई पैसे मांगने के लिए।
मैंने उसे खूब मना किया पर वो मेरी बात ही नहीं मानी। यहां आकर वो रोज मुझे फोन करती थी पर पिछले एक हफ्ते से ना तो उसका फोन मिल रहा है इंस्पेक्टर साहब और ना ही उसने मुझे कोई कॉल किया। इस बारे में मैंने जब अनन्या से बात की तो उसने कहा कि वो पैसे लेकर लंदन चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। देखिए आप परेशान मत होइए, हम स्नेहा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आंटी ने झूठ क्यों कहा कि स्नेहा उनकी छोटी बहन। हो सकता है उसने ये बात तुम्हारे डैड से छुपाई कि वो पहले से शादीशुदा और एक बेटी की माँ है। खैर आप दोनों कंप्लेन लिखवा दीजिए, हम स्नेहा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जी थैंक यू। अब माँ डिटेल्स दीजिए। अरविंद मुझे अनन्या और जयचंद की कुंडली चाहिए और स्नेहा की CDR भी। सर। आंटी जी सच सच बताइए स्नेहा कहाँ है और उसे क्या हुआ है? अरे मैंने बताया तो था तुम्हें कि वो लंदन गई है अपनी आगे की। झूठ बोल रही हैं आप ही ने उसी के साथ कुछ किया है। साहिल बेटा होश में तो हो, कैसे बात कर रहे हो अनन्या से? डैड मैं होश में भी हूँ और अच्छे से जानता हूँ मैं किससे और कैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी धोखेबाज औरत है। स्नेहा इसकी बहन नहीं इसकी बेटी। इनकी शादी 22 साल पहले स्नेहा के डैड के साथ हुई थी। साहिल मुझे सब पता है, तुम इतने गुस्से में क्यों? हुआ क्या? डैड डैड बात स्नेहा की है, पिछले एक हफ्ते से उसने मुझे फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, पता नहीं कहाँ है और किस हालत में है वो। ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती हो इसलिए गायब हो गई हो। तब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ तुम आराम करो जाओ। नहीं डैड आप ना इसके प्यार में अंधे हो चुके हैं। क्या सही है और क्या गलत आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साहिल तुम बदतमीजी कर रहे हो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए जाओ यहां से। हाँ तो जा रहा हूं मैं यहां से। जाओ यहां से। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि ये औरत आपके लिए सही नहीं है। आप जितना दूर से रहेंगे उतना ही सही रहेगा। स्नेहा जयचंद और अनन्या की कॉल डिटेल्स सुनील बैंक स्टेटमेंट। स्नेहा के कॉल डिटेल्स के अकॉर्डिंग उसने लास्ट बार कॉल जयंत को किया था और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। जी सर। सर अनन्या के CDR से ऐसा कुछ नहीं मिला कि उस पर शक किया जाए, पर हाँ उसने कुछ दिन पहले किसी कल्पेश नाम के आदमी के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और जो ये जयचंद है वो किसी डिटेक्टिव के थ्रू स्नेहा की जानकारी लेना चाह रहा था। मतलब जयचंद जान चुका था कि स्नेहा अनन्या की बहन नहीं बेटी है और हो ना हो उसे ये भी पता चल गया था कि साहिल स्नेहा से प्यार करता है और इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। ये भी हो सकता है कि अनन्या ने गुस्से में आकर स्नेहा को ठिकाने लगा दिया कल्पेश की मदद से। चलो मिलकर आते हैं इस फैमिली से। मैंने डिटेक्टिव को कहा था कि स्नेहा के बारे में पता करे क्योंकि जब मैंने साहिल और स्नेहा को साथ में देखा तो मेरी टेंशन बढ़ गई थी। अपनी होने वाली साली को अपने बेटे के साथ कैसे देख सकता था? लेकिन जब मुझे पता चला कि स्नेहा जो है अनन्या की बहन नहीं बल्कि बेटी है तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। तो मैं अनन्या के पास गया और मैंने उससे पूछा कि मुझसे झूठ क्यों कहा कि स्नेहा तुम्हारी बहन नहीं बेटी है। मैं बस तुम्हारी नजरों में अच्छा बना रहना चाहती थी। मैं घबरा गई थी, मुझे लगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं तो तुम। अनन्या अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता ना तो अच्छा होता। तुम्हें पता है स्नेहा क्या कर रही है? वो साहिल पे डोरे डाल रही है। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो गया ना तो फिर हमारा तुम्हारा भूल जाओ। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सच में। तो फिर एक काम करो जल्दी से जल्दी स्नेहा को यहाँ से भेजो। वो इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसे लंदन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जाना है और उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक मैं 50 लाख देता हूँ लेकिन तुम उसे आज ही भेज दो। अगर वो साहिल से दूर रहे ना इसी में हम सबकी भलाई है। तो मैंने 50 लाख रुपए दिए और अनन्या को कहा कि स्नेहा को जल्द से जल्द यहां से भेज दे। फिर क्या हुआ?
आपने उसे पैसे दिए? हाँ, सर मैंने उसे पैसे दिए। ये लो, पूरे 50 लाख रुपए हैं। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पर दोबारा यहाँ आसपास दिखना भी मत। वैसे लगा नहीं था इतनी जल्दी पैसे दोगी, फिर भी थैंक यू। और हाँ, एक और बात, साहिल से दूर रहोगी तुम। ओह, अच्छा तो ये बात है, मतलब जयचंद को सब कुछ पता चल गया ना। वैसे एक बात पता है, साहिल उस तिजोरी की चाबी है जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा, और किस्मत से ये चाबी अभी मेरे हाथ में। स्नेहा, जयचंद को कम मत समझो तुम। उसने तुम्हें पैसे सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां से, वरना कहां गायब हो जाओगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे ये फिक्र जता रही हो या धमकी दे रही हो, मुझे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात यहां से जाने की, तो मुझे कोई शौक नहीं है यहां रुकने का, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत नहीं हूं जो सिर्फ पैसे के लिए अपना ईमान और आत्मा दोनों बेच दे। और रही बात साहिल की ना, तो अगर वो मुझसे प्यार करता होगा तो वो मेरे पास ही आएगा। फिलहाल के लिए मैं उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ, ठीक है? डन। और फिर मैं उसके रूम से चली गई और ऑफिस के लिए निकल गई थी, लेकिन सर जब मैं ऑफिस से घर वापस आई तो स्नेहा घर पे नहीं थी, मुझे लगा वो लंदन के लिए निकल गए। अच्छा, ये कल्पेश कौन है जिसके अकाउंट में आपने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे? वो मेरा दूसरा पति है सर। मेरा मतलब है कि दरअसल जयन को छोड़ने के बाद जब मैं लखनऊ से नोएडा आई तब मुझे कल्पेश यहाँ पर मिला और उसने मेरी बहुत हेल्प की सर, तो धीरे धीरे हम करीब आने लगे और फिर एक दिन हमने शादी कर ली। लेकिन उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी गांव में एक फैमिली है, बच्चा है, और फिर गुस्से में आकर एक दिन मैंने उससे भी छोड़ दिया। लेकिन सर हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था, तो कल्पेश को जब पता चला कि मैं जयचंद से शादी करने वाली हूँ वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि अगर मैंने उससे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो जयचंद को सब कुछ बता देगा सर। बस वही 10 लाख रुपए मैंने उससे ट्रांसफर किए थे। क्या कल्पेश स्नेहा के बारे में जानता था? नहीं सर, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया था। क्यों, क्या हुआ? स्नेहा तो लंदन के लिए गई है ना? स्नेहा लंदन नहीं गई है, जिस दिन आपने उसे पैसे दिए थे तब से वो लापता है। खैर, जब तक स्नेहा के बारे में पता नहीं चल जाता आप तीनों में से कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। सर अगर इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया तो स्नेहा गई कहां? अरविंद, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि स्नेहा जानबूझकर पैसों के साथ गायब हो गई, या फिर पैसों के लिए स्नेहा को किसी ने गायब कर लिया। एक काम करो, इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक करो, सबका, स्नेहा का भी।
सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया सर? मैंने क्या किया है सर? स्नेहा का फोन। नहीं नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। गलतफहमी हमें नहीं, गलतफहमी तुझे हुई है कि तू क्राइम करेगा और बच जाएगा। स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसने लास्ट बार कॉल तुझे किया था, तो उसने पैसों वाली बात तो तुझे बताई होगी, और जब उसने तुझे पैसों वाली बात बताई तो तू उसी दिन यहाँ नोएडा आ गया था। अब आखिरी बात, तेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, शहर सी बात है कि वो पैसा स्नेहा का ही होगा जो अनन्या ने उसे दिया था। अब इज्जत से बता दे कि तूने स्नेहा के साथ क्या किया। सर मैंने मारा है सर। मैंने ही मारा है स्नेहा को, और मैं करता भी क्या, वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दरअसल स्नेहा नहीं आई थी अनन्या के पास, बल्कि मैंने उसे भेजा था। वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, नफरत करती थी अनन्या से। और उस दिन जब अखबार में अनन्या और जयचंद की शादी करने वाली खबर पड़ी, तो मुझे लगा कि क्यों ना अनन्या से पैसे ऐंठे जाएं। मेरी माली हालत ठीक नहीं चल रही थी, मुझे भी पैसों की जरूरत थी, और अनन्या मेरे कहने से तो पैसे देती नहीं। और चूंकि स्नेहा को लंदन जाना था, इसीलिए मैंने इस काम के लिए उसे ही मनाया। ये देखो स्नेहा, यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने लंदन जाने का सपना पूरा कर सकती हो। नहीं पापा, मैं उस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, और आप मुझे बोल रहे कि मैं उससे पैसे मांगू जाके, कभी नहीं। और वैसे आपको क्यों लगता है कि वो मुझे पैसे देगी? देगी, जरूर देगी, अगर वो जयचंद से शादी करना चाहती है तो, क्योंकि उसने नहीं बताया होगा जयचंद को कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। तो तू उसकी इसी बात का फायदा उठा और उसके पास जाकर बोल कि तुझे 50 लाख रुपए चाहिए। देख बेटा स्नेहा, मैंने आज तक तेरी हर इच्छा पूरी की है, और मैं चाहता हूँ कि तू अपने लंदन जाने का सपना भी पूरा करे, पर मेरे पास कभी भी इतना पैसा नहीं होगा कि मैं तुझे लंदन भेज पाऊँ। तो बस यही एक रास्ता है। स्नेहा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जा मेरी बात, उस औरत ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया है सिवाय दर्द और बदनामी के, तो पैसे भी वही देगी। आखिरकार अनन्या मेरी बात मान गई और लखनऊ से नोएडा चली आई, और यहाँ आकर वो रोज मुझे सारी बात फोन पर बताती थी। अरे पहचानती कैसे नहीं, उसके तो होश ही उड़ गए थे मुझे देखकर, और जब मैंने उससे 50 लाख मांगे ना, तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। तो क्या कहा उसने, पैसे देगी या नहीं? देगी कैसे नहीं, पैसे तो मैं इससे लेकर रहूंगी, पर लगता है शादी तक यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तब तक तो वहीं रुक, और हाँ मुझे डेली अपडेट देती रहना। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो अनन्या के साथ जयचंद के घर आ गई है, और जब उसने मुझे साहिल के बारे में बताया तो मैंने उसे कहा कि वो साहिल को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। पापा साहिल बहुत ही अच्छा लड़का है, इतना अमीर होने के बाद भी उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। आपको पता है मुझे रूम तक खुद छोड़ने आया था, छाता तो किसी नौकर को भी भेज सकता था ना। कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं करने लगा है? मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहा हूँ बेटा, सोच अगर तेरी शादी साहिल से हो गई तो जिंदगी भर महारानी बन के रहेगी। यही मौका है जिंदगी को बेहतर बनाने का। मैं तो कहता हूँ तू साहिल को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बस अनन्या पैसे दे दे, उसके बाद मैं सीधा लंदन चली जाऊंगी और कभी वापस मुड़कर नहीं देखूंगी। अरे अगर एक बार साहिल से तेरी शादी हो गई तो फिर लंदन ही क्या, पूरी दुनिया घूम सकती है। पागल मत बन, दिमाग से काम ले। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ठीक है बेटा, ओके। मुझे लगा था कि अगर साहिल स्नेहा से शादी कर ले तो फिर पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी, पर अनन्या ने स्नेहा को 50 लाख रुपए देकर मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, और उस स्नेहा ने, उसने भी 50 लाख रुपए ले लिए और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। यहाँ तक कि उसने साहिल से ब्रेकअप भी कर लिया, बताया था उसने मुझे। मुझे बहुत बुरा लगा सर, पर फिर सोचा कि चलो 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये भी छोटी रकम नहीं है, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। और फिर पता चला कि स्नेहा तो सीधे लंदन जाने की तैयारी कर रही है, वो भी सारे रुपए लेकर। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
पर वो नहीं मानी। बेटा तू सारे पैसे लेकर एक बार घर आ जा, फिर इस बारे में बात करेंगे। नहीं पापा, मैं वापस नहीं आने वाली, यहाँ से सीधा लंदन निकलूंगी। ऐसा करिए आप यहीं आ जाइए। बेटा ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी मुझे है? कम से कम अपने बाप के लिए रुक जा। अगर तू लंदन चली गई तो मेरा क्या होगा बेटा? उसकी चिंता आप मत करो पापा, मैं जल्दी आपको भी बुला लूंगी। अच्छा तू लंदन कब जा रही है? टिकट करवा ली तूने? अभी नहीं कराई टिकट, पहले मुझे पैसे एक्सचेंज करवाने। अनन्या ने पूरा कैश दिया है तो पहले मैं उसे एक्सचेंज करवाऊंगी, फिर अपने बैंक में ट्रांसफर करवाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ ना, बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ नोएडा, वहाँ पर मेरा एक जानने वाला है जो हवाला का काम करता है, है? तेरा काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है तो आप आ जाइए। ठीक है बाय। मैं समझ गया था कि स्नेहा अब रुकने वाली नहीं है और ना ही उन रुपयों में से मुझे फूटी कौड़ी भी देने वाली है, तो मैंने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और लखनऊ से नोएडा चलाया। यहाँ आकर मैंने उसे कॉल किया और एक सुनसान जगह पर बुलाया पैसे एक्सचेंज करने के बहाने, और वो सारे रुपए लेकर वहां आ गई। ये लीजिए पापा पैसे। वैसे कब तक एक्सचेंज हो जाएंगे? बस जल्दी। अच्छा वो आपके दोस्त नहीं आए हवाला वाले? आता ही होगा। सो तो तुमने मन बना लिया जाने का? हा? हाँ पापा, अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, जल्द से जल्द लंदन जाना चाहती हूँ। अपने पापा के लिए भी नहीं रुकेंगी? हो पापा, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने बोला ना मैं बहुत जल्द ही आपको वहाँ पे बुला लूंगी। पापा, पापा। मैंने उसकी लाश को जला दिया और सारे रुपए लेकर वहां से चला गया। पर मैं और क्या करता सर, मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। एक नंबर की जिद्दी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और सेल्फिश भी। 2 साल की थी जब से उसे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, दुनिया भर की परेशानियां झेली, और उसने रुपए मिलने के बाद मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा। सारे रुपए लेकर लंदन जाने की तैयारी कर रही थी वो। अगर वो लंदन चली जाती तो मैं यहां क्या करता? भीख मांगता? मैं मारना पड़ा उसे। उन्हें सारी बात बताई लेकिन तेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब तूने स्नेहा को मार ही दिया था, उसका पैसा जब तुझे मिल ही गया था, फिर तू यहां पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने के लिए क्यों आया? उस साहिल के कारण सर। किसी को नहीं पड़ी थी कि स्नेहा कहां है, पर वो साहिल वो दिन रात पागलों की तरह स्नेहा को ढूंढने में लगा था, उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, और इसीलिए मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। मुझे लगा अगर मामला पुलिस तक गया तो मैं फंस सकता हूँ, और इसीलिए जब उस दिन वो पुलिस स्टेशन आया तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। लेकिन तू फिर भी पकड़ा गया। अनन्या ने जो स्नेहा के साथ किया वो गलत था, लेकिन तूने जो स्नेहा के साथ किया उसके लिए तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। अब यहाँ जेल में बैठ कर सोचते रहना पैसों के बारे में और जिंदगी भर रोना। अब ये बता स्नेहा की लाश को कहाँ जलाया तूने? दो हफ्ते से लापता स्नेहा के केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। स्नेहा को उसी के पिता जयंत ने मारा था और उसकी लाश को जला दिया। पुलिस ने स्नेहा की लाश को बरामद कर लिया है। बता दे कि स्नेहा अपने पापा के साथ लखनऊ में अकेली रहती थी, उसके पापा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसने अपनी ही बेटी को मार दी।